अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम एडीपी का जो सब्जेक्ट है जनरल मैथमेटिक्स, उसका लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ की ग्राफिंग को, कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो ग्राफ होगा उसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, यानी कि इनइक्वालिटीज़ की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? जैसे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी, वैसे ही हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आर द एक्सप्रेशंस वेयर एनी टू वैल्यूज आर कंपेयर्ड बाय द इनइक्वालिटी सिंबल सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटीज़, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ कैसे एक्सप्रेशन है जिसमें हम टू वैल्यूज़ को कंपेयर करें। ठीक है, इनइक्वालिटी के सिंबल से, जिसमें हम लेस का सिंबल हो सकता है, ग्रेटर का सिंबल हो सकता है, या फिर लेस और इक्वल हो, या फिर ग्रेटर और इक्वल हो। ठीक है, दीज वैल्यूज कुड बी न्यूमेरिकल और अल्जेब्रिक आर अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि जो हमने कंपैरिजन करना है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि नंबर्स 1, 2, 3, और इसके अलावा अल्जेब्रिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि जिसमें हमारे पॉलीनोमियल्स वगैरह होते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो भी हो सकती हैं, या फिर दोनों भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 less than 11, जैसे कि अब ये हमारे पास 10 less than 11 जो है, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, यानी कि जो 10 जो है वो लेस देन 11 है। इसी तरीके से जो हमारे पास 20 है, इसी तरीके से हमारे पास 20 है जो कि ग्रेटर देन 17 है, ये भी हमारे पास क्या है, एक इनइक्वालिटी है, 20 greater than 17 आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स जो थी हमारे पास न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ की। अब हम देखते हैं हमारे पास जो अल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ कैसी होती हैं। एंड एक्स ग्रेटर देन वाई, जिसमें यानी कि वेरिएबल्स वगैरह आए एक्स और वाई वगैरह, एक्स वाई जी। इसी तरीके से वाई लेस देन 19 माइनस एक्स, ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है लेकिन अल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है। इसी तरीके से एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जी ग्रेटर इक्वल टू 11, ये पूरी की पूरी क्या है, अल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज आल्सो कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज, यानी कि अल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज को हम लिटरल इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं। द सिंबल्स विच रिप्रेजेंट इनइक्वालिटीज आर, यानी कि जो जो सिंबल्स इनइक्वालिटीज को शो करते हैं वो सिंबल्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने। फर्स्ट वन है लेस देन, सेकंड है ग्रेटर देन, आगे थर्ड है लेस देन आर इक्वल टू, और फोर्थ नंबर पे है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और लास्ट वन है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सारे के सारे जो सिंबल्स क्या हैं, 5 के 5 जो सिंबल्स क्या हैं, ये हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज को शो करेंगे। द सिंबल्स लेस देन एंड ग्रेटर देन एक्सप्रेस द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी इनइक्वालिटी में जो सिंबल हो जस्ट लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, एंड द सिंबल लेस आर इक्वल एंड ग्रेटर आर इक्वल डिनोट स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी कि डिफरेंस दोनों में क्या है, जिस इनइक्वालिटी में जस्ट लेस या ग्रेटर का साइन होगा वो हमारे पास होंगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास लेस के साथ इक्वल भी हो या फिर ग्रेटर के साथ इक्वल भी आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज। अ लीनियर इनइक्वालिटी सीम्स एग्जैक्टली लाइक अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वही बात मैंने जो पहले कही थी कि जो लीनियर इनइक्वालिटी है
वो सेम जो है सीम्स एग्जैक्टली यानी के लीनियर इक्वेशन की तरह ही होगी. वेयर द इनइक्वालिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाय द इक्वालिटी साइन, यानी के यहाँ पे यही बात लिखी है कि जस्ट जो डिफरेंस आया है वो इतना आया है कि जो लीनियर इक्वेशन होती थी वहां पे इक्वल का साइन आता था, और लीनियर इक्वेशन में क्या किया हमने, इक्वल के साइन को इनइक्वालिटी से रिप्लेस किया, यानी कि लेस देन आर इक्वल के साइन से. आगे देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफ कैसे करती है. लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिंग, ठीक है. When we plot the graph for inequalities, we can see the graph of an ordinary linear function. But in the case of linear function, the graph is a line, and the in case of inequalities, the graph is the area of the coordinate plane that satisfies the inequality. यानी कि यहाँ पर लिखा है कि अगर तो हम linear function का graph draw करते हैं तो वो हमारे पास कोई ना कोई line आती ही है, ठीक है. जबकि हम अगर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट प्लेन में, यानी कि हमारा जो प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन में, जो है हमारे पास कोई ना कोई एक रीजन आएगा, ठीक है, जो कि हमारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे. द लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू टू पार्ट्स बाय अ बॉर्डर लाइन, ठीक है. यानी कि जो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा वो क्या करेगा, Divides the coordinate plane into two parts by a border line, ठीक है. यानी कि जो हम draw करेंगे line वो हमारे coordinate plane को two parts में divide कर देगा. This line is the line that belongs to the function. One part of the border line consists of all solutions to the inequality. The border line is dashed for inequalities greater and less and solid for greater equal or less or equal. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि अगर जब हम जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रा किया था, इसी तरीके से हम जब लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करेंगे तो अगर तो हमारे पास सिंबल ग्रेटर या फिर लेस का सिंबल हो तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ ड्रा करना है वो हमने डैश्ड लाइन से करना है, यानी डैश्ड फॉर इनइक्वालिटी. लेस या ग्रेटर के लिए हमने डैश यूज करने हैं, जबकि अगर हमारे पास लेस के साथ इक्वल या ग्रेटर के साथ इक्वल भी आ जाए तो हमने फिर क्या करना है, सॉलिड लाइन ड्रा करनी, यानी कि फुल लाइन, डॉट नहीं लगाने, ठीक है. आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि हम ग्राफ को ड्रा कैसे करेंगे. टू प्लॉट एन इक्वेलिटी ग्राफ वी नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स, यानी लीनियर इनक्वेलिटी के ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें ये चार स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, इसके बगैर हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते. यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो इजिली ड्रा हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, रीअरेंज द गिवन इक्वेशन सच दैट द वेरिएबल y इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड. फॉर एग्जाम्पल y ग्रेटर देन x प्लस 2, यानी कि हमने करना क्या है, जो हमारी इक्वेशन होगी हमारे पास जो भी लीनियर इनक्वालिटी दी होगी उसको हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज करना है. यानी कि रीअरेंज में क्या करना है, हमने जो हमारा y वेरिएबल होगा उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना है और बाकी सारे की सारी जो टर्म्स होंगी वो राइट हैंड साइड पर हमने करना है. जैसे कि एग्जांपल में हमने लिखा है y ग्रेटर देन x प्लस 2, ठीक है. सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा प्लॉट द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x प्लस 2 लाइन बाय पुटिंग द वैल्यू फॉर x. यानी कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 2 और इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है कैसे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. यानी कि जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते थे, जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होती तो x जीरो यानी कि फिर y जीरो पुट करके ऐसे हम x और y के पॉइंट्स फाइंड कर लेते थे. इसी तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके से पॉइंट्स फाइंड करने हैं. थर्ड पॉइंट है रिमेंबर टू ड्रॉ अ सॉलिड लाइन फॉर y लेस इक्वल टू और y ग्रेटर इक्वल टू. वही बात कि अगर लेस और इक्वल इकट्ठा आएंगे या ग्रेटर और इक्वल इकट्ठा आएंगे तो हमने क्या करना है, ग्राफ के लिए सॉलिड लाइन ड्रा करनी है. अदरवाइज एंड अ डैश लाइन फॉर y लेस देन और y ग्रेटर, या फिर अगर लेस या ग्रेटर होगा सिर्फ तो हमने क्या करना है, जस्ट क्या करना है, डैश लाइन ड्रा करनी है, ठीक है. फोर्थ नंबर पे है नाउ शेड द लाइन एज पर इनइक्वालिटीज सच एज अबव द लाइन फॉर अ ग्रेटर देन. यानी कि लास्ट नंबर पे जब हमारा सॉल्यूशन हमने शेड करना है तो वो शेड कैसे करना है, उसके लिए हमने चेक करना होगा जो हमारी लाइन है इनइक्वालिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर तो हमारे पास जो है ग्रेटर का साइन आता है या फिर ग्रेटर और इक्वल का साइन आता है.
तो क्या करना है हमने, अबव द लाइन जो एरिया होगा वो हमने शेड करना है, एंड बिलो द लाइन फॉर अ लेस देन आर फिर वाई लेस देन इक्वल टू, यानी कि अगर तो लेस होगा या फिर लेस और इक्वल होगा तब हमने क्या करना है, तब हम करेंगे बिलो द लाइन वाला जो एरिया होगा वो हम अपना शेड करेंगे। ठीक है, ये चार पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम इजीली ग्राफ ड्रा कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का, ये चार ही स्टेप्स को फॉलो करना है। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जैसे कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, सेम वही चीज है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जस्ट डिफरेंस क्या होगा, इक्वल के साइन की जगह पे जो है इनइक्वालिटीज आ जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा, वही चीज है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स इंक्लूड एटलीस्ट टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन द आइडेंटिकल वेरिएबल, व्हेन वी सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी देन वी गेट एन ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जब हम लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। सो बेसिकली इन अ सिस्टम द सॉल्यूशन टू ऑल इनइक्वालिटीज एंड द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज द ग्राफ डिस्प्लेइंग ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, लेट अस सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट, आइए एग्जांपल देखते हैं हम इसकी लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे हम ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी मौजूद है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। जैसे कि फर्स्ट इनइक्वालिटी है y लेस इक्वल टू 2x-3, सेकंड है y ग्रेटर इक्वल टू -3, थर्ड है y लेस इक्वल टू -1.25x+2.5। ठीक है, अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्टली वी नीड टू प्लॉट वन लाइन एट अ टाइम इन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड देन शेड हाफ ऑफ द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी कंडीशन, यानी कि सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसका एरिया जो है वो शेड करना है। चूंकि हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज हैं, चूंकि बारी बारी हम तीनों का एरिया ड्रॉ करेंगे तब जाके हमारे पास जो है उनका कॉमन रीजन आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है y लेस इक्वल टू 2x-3 उसका ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने चार स्टेप पढ़े हैं, उसको फॉलो करते हुए आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y कोऑर्डिनेट फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, ये वाली इस इनइक्वालिटी के लिए जो है हमने फाइंड करनी है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन में डिटेल में किया था तो यहां पे आप कर लीजिएगा। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x पुट को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, -3। ठीक है, और जब हम करेंगे उसकी वैल्यू x की फाइंड करेंगे तो हमने पुट करना है y को 0, जब y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 1.5। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा, ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से, एक तो आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, जब इन दो पॉइंट से हम इस फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो -3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 1.5 यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये हमने इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा कर दिया है। ठीक है, ठीक है, चूंकि अब हमारे पास जो है वाई इनइक्वालिटी जो है लेस देन का साइन है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर लेस देन या लेस और इक्वल का होगा तो हमने क्या करना है, अपनी जो लाइन का बिलो वाला एरिया जो है हमने वो शेड करना है, वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा इस इनइक्वालिटी का। तो ये क्या किया हमने, इस लाइन का बिलो वाला जो पार्ट था ये सारा का सारा येलो वाला आपको नजर आ रहा होगा, तो ये वाला जो एरिया है हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी को, द सॉल्यूशन एरिया वी गेट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द हाफ ऑफ प्लेन इज प्रेजेंटेड इन अ डार्कर शेड। ठीक है, अब जैसे कि दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी हमारे पास y लेस इक्वल टू 1.25x+2.5। ठीक है, इसको जब हमने ड्रा किया तो हमारे पास पॉइंट आए 2 और 3, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी और y की वैल्यू जो है 2.5, y की वैल्यू ये देखें 2.5 है, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.5। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली एक हमारी इनइक्वालिटी का रीजन ड्रा हो गया, तो इसको भी हमने जो है वो शेड कर दिया। ये आपको ब्लू कलर जो नजर आ रहा है ये वाला इस इनइक्वालिटी का शेड है। इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड वाली जो इनइक्वालिटी है उसको हमने ड्रॉ करना है। नॉर्मली ओनली द सॉल्यूशन एरिया इज शेडेड बाय विच वी कैन इजीली द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली फर्स्ट इनइक्वालिटी का आ गई थी। ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन जो है वो हमारी
सेकेंड इनइक्वालिटी को, इस वाली इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। अब थर्ड वाली हमारी इनइक्वालिटी थी y ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव थ्री। अब नेगेटिव थ्री जो है हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, y वाली, ये वाला पॉइंट जो है हमारा नेगेटिव थ्री के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन, ये वाली जो नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, y ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव थ्री। अब चूंकि ग्रेटर का साइन है तो इसका मतलब है हमारा जो रीजन बनेगा वो हमारा इस लाइन से अबव बनेगा, ठीक है। तो अबव में हमारे पास ये वाला ऊपर वाला सारा एरिया आता है। तो अब हमने करना ये होता है कि जो तीनों इनइक्वालिटीज का एरिया हमने ड्रा किया, जो इसमें से कंबाइन होगा, यानी कि उनका इंटरसेक्शन होगा, कॉमन पॉइंट जो होगा वो वाला जो है हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। जैसे कि अब इन तीनों लाइन में से ये वाली ड्रा की, इसका भी नीचे था, ये वाली ड्रा की, इसका भी नीचे था, और ये वाली ड्रा की, इसका ऊपर था। तो अब इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट बना था वो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हमारा जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, जो येलो शेड है, वो हमारा जो है सॉल्यूशन रीजन बनेगा। क्योंकि तीनों का जो हमने कॉमन जो रीजन होगा, इंटरसेक्शन होगा, वो लेना है, तो वो जो हमारा बनेगा वो सॉल्यूशन रीजन बनेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे हम लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। सॉल्व द इनइक्वालिटी 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 5 माइनस 7 इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, गिवन हमारे पास है 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 5 माइनस 7 इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 1 ग्रेटर देन 5 माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 प्लस 7x, यानी कि सिंपल हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लीकेशन की है। उसके बाद क्या है, 4x प्लस 7, यानी कि 8 माइनस 1 को किया है, सिंप्लीफाई किया है, यानी कि इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, हम x वाली टर्म्स को एक साइड पर ले लेंगे और कॉन्स्टेंट जो टर्म्स होंगी वो हम राइट साइड पर ले आएंगे। तो हमारे पास ये वाला आ जाता है माइनस 3x ग्रेटर देन माइनस 30। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x लेस देन 10। तो ये x यहाँ पे हमारे पास था ग्रेटर और यहाँ पे हमारे पास लेस कैसे हो गया, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, शायद कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया भी होगा। तो ये हुआ ऐसे है कि चूंकि दोनों तरफ नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया है, दोनों साइड्स पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है। इनइक्वालिटी की एक ये प्रॉपर्टी है, अगर हम उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि अगर ग्रेटर हो तो लेस हो जाएगी और अगर लेस होगी तो ग्रेटर हो जाएगी। तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो लेस थी वो ग्रेटर हो गई, सॉरी ग्रेटर थी लेस हो गई है, ठीक है। एक्स लेस देन 10 हमारा सोल्यूशन आ गया, हैंस एक्स लाइज बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन 10, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू होगी वो 10 से छोटी होगी और 10 से छोटी वैल्यूज आपको पता है कि अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है x lies between negative infinity and less than 10, यानी कि 10 से छोटी वैल्यूज जो है वो हमारा सोल्यूशन होगी, ना कि 10 होगा, ठीक है, उसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। एक और देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी 8 लेस और इक्वल टू 3 माइनस 5 एक्स लेस देन 12, ठीक है। उसी तरीके से क्या किया है हमने यहाँ पर, अब हमने क्या किया है, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स थी वो सारी की सारी हमने क्या की है, ये 3 जो है इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा नेगेटिव 5x लेस देन 9, ठीक है। अब हमने क्या किया है, पूरी इनइक्वालिटी को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, जब 5 से डिवाइड किया तो सॉरी नेगेटिव 5 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव 1 आ जाएगा और ये वाला लेस आर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और ये वाला लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव 9/5 ये हमारे पास आ जाएगा। हैंस x lies between the interval नेगेटिव 9/5 एंड नेगेटिव 1, ये इंटरवल बन गया, यानी कि ये वाला x जो हमारे पास वैल्यूज ग्रेटर होनी चाहिए नेगेटिव 9/5 से और लेस आर इक्वल होनी चाहिए नेगेटिव 1 से, ठीक है। इस ये इंटरवल है, इंटरवल वाली फॉर्म है, ये हमारे पास इसका इंटरवल बन गया नेगेटिव 9/5 और नेगेटिव 1। तो आगे हम देखते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अलजेब्रिक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का, वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, लेट्स लर्न हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज।
फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द लीनियर इनइक्वेलिटी गिवन बिलो 3x less than 6 where x is a whole number, ठीक है 3x less than 6 हमने एक inequality ले ली है और वहां पे x जो है हमारे पास whole number है. Whole number का मतलब है हम 0 पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, up to so on infinity तक values हमारे पास हैं, ठीक है. Left hand side of the inequality is 3x and right hand side of the inequality is 6, ठीक है. When x is equal to 0, यानी कि जब हम x की value 0 पुट करेंगे तो हमारे पास left hand side 0 हो जाएगी और right hand side 6 आएगी, ठीक है. तो इसका मतलब है 0 जो है वो 6 से लेस है, सिंस 0 इज लेस देन 6 एंड x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है. चूंकि हमने जब 0 को पुट किया तो हमारा जो आंसर है 0 जो है वो लेस देन 6 ही होता है, तो इसका मतलब है जो 0 सेटिस्फाई करता है हमारी इनइक्वालिटी को. इसी तरीके से 1 को पुट किया, इसी तरीके से 2 को किया, 3 को भी किया, ये सारे के सारे जो हैं लेस देन 6 आंसर आएंगे, तो मतलब ये सारे के सारे 0 1 2 3 जो है हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक द स्टेटमेंट ट्रू कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज, यानी कि ऐसी वेरिएबल्स की वैल्यूज जो कि हमारे जो स्टेटमेंट है इनइक्वालिटी है उसकी वैल्यू को ट्रू प्रूव करें, वो क्या कहलाते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है. देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द अबव इनइक्वालिटी आर 0 एंड 1 एंड 0 1 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट, ठीक है. ये सॉल्यूशन सेट वाली फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको. इन द अबव एग्जांपल वी हैव गॉट द सॉल्यूशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि ये जो हमने मेथड किया है ना कि हमने जीरो से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दी और करते गए चेक करते गए कि कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड विच इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, ठीक है. ये एक तो इफेक्टिव भी नहीं है और टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है, इसलिए हम इसको बहुत ही कम यूज करते हैं. इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग वेन द नंबर्स आर बिग एंड देर आर मैनी कंडीशन. देर आर टू रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज That will be explained with the following example. यानी कि अब inequality के हमारे पास दो rules हैं linear inequalities को solve करने के लिए, हमारे पास दो rules हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं. Rules for linear inequalities. First rule है हमारे पास, rule one क्या है, equal numbers can be added to or subtracted from both of the sides of the inequality without changing the sign of inequality. First rule का मतलब क्या है कि हम जो है अपनी इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड पर कोई भी नंबर जो है ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन बगैर चेंज किए हम कोई भी नंबर इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सेकेंड रूल है जो साइन वाला जो मैंने पहले बात की थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है. सेम पॉजिटिव नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इंटू बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है. सेम पॉजिटिव नंबर बात हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की, जस्ट पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी. साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, अगर तो हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी को तो हमारा जो होगा इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर जो है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा और लेस जो है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एग्जांपल्स हैं फिर कुछ, 3 माइनस 2x लेस देन 1, सॉल्व फॉर x इफ x इज एन इंटीजर लेस देन 6, ठीक है. 3 माइनस 2x लेस देन 1, तो अब क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे 3 को, ठीक है, बोथ साइड्स पे जो है हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया है. ये देखें 3 माइनस 3 माइनस 2x लेस देन 1 माइनस 3, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2x लेस देन माइनस 2, ठीक है. अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, चूंकि यहाँ पे तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट विदाउट चेंज ऑफ इनइक्वालिटी हम कर सकते थे. आगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव 2, अब चूंकि हम नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो रिवर्स होगा, ठीक है. नोट दैट नेगेटिव 2 इज अ नेगेटिव नंबर, अ साइन ऑफ द इनइक्वालिटी हैज टू बी रिवर्स. नेगेटिव 2x ओवर नेगेटिव 2 ग्रेटर देन, देखिए नेगेटिव जो से मल्टीप्लाई किया तो ये जो लेस था वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया. नेगेटिव 2 बाय नेगेटिव 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1, ठीक है. इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं. सिंस x इज एन इंटीजर लेस देन 6, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज 2 3 4 5, ठीक है. यानी कि जो सॉल्यूशन सेट जो 2 3 4 5 कैसे हो सकते हैं, x ग्रेटर देन 1,
यानी 1 से जो भी बड़े नंबर होंगे, यानी कि 1 से बड़े नंबर जो है वो 2, 3, 4 एंड 5 है, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे उसने लिखा था कि हमारे पास x ऐसा इंटीजर है लेस देन 6 है, तो हमारे पास कैसा इंटीजर है जो कि लेस देन 6 है और वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़े और 6 से छोटे कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। अच्छा आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज को हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, सेम उसी वे में जैसे हम पहले लीनियर इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं उसी तरीके से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ये देखें वही कंडीशंस, सब्ट्रैक्ट की है, डिवाइड की है, तो हमारे पास ये आ गया x लेस इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इट इज गिवन दैट x इज पॉजिटिव, अब यहाँ पे आप नजर आ रहा है कि हमारे पास जो x जो है वो पॉजिटिव है, x लेस देन भी हो यानी कि लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास जो x के सोल्यूशन आएंगे वो 3 से छोटे भी आएंगे और 3 के इक्वल भी आएंगे, क्योंकि इक्वल भी है और लेस भी है। Therefore, x is greater than 0 and less than or equal to 3, ठीक है। x जो है वो 0 से बड़ा होगा और 3 से इक्वल होगा और लेस होंगे, ठीक है। दैट इज x belongs to 0 और 3, देखे ना 0 वाली साइड से ओपन इंटरवल है और 3 वाली से क्लोज है, इसका मतलब है 3 जो है हमारा इंक्लूड होगा। तो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है हमने जब हमने रियल नंबर पढ़ा था, रियल लाइन पढ़ी थी, तब भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हमने किया है डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 0 आ गया और 0 से 3 तक हमारे पास जो है वो नंबर्स शामिल होंगे। एक और एग्जाम्पल है 6x plus 2 less than 4x plus 8, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा x less than 3, ठीक है। x less than 3 बनता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, यानी कि 3 से लेस वाली सारी की सारी वैल्यूज होंगी, यानी 3, 2, 1, 0 इस तरफ जो है लेफ्ट साइड पे हमारी अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी सारी वैल्यूज जो है वो इसके सोल्यूशन में आएंगी। आगे है लास्ट हमारा जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज के हमारे पास टाइप्स हैं, ये फर्स्ट वाली जो है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में क्या होगा, इफ ओनली नंबर्स आर इन्वॉल्वड इन द एक्सप्रेशन देन इट इज अ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, यानी कि जस्ट नंबर होंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसे कि एग्जाम्पल है 10 ग्रेटर देन 8 या फिर 5 लेस देन 7। आगे लिटरल इनइक्वालिटीज, लिटरल में क्या होगा, जस्ट हमारे पास एक ही वेरिएबल हो, यानी कि x लेस देन 2, y ग्रेटर देन 5, z लेस देन 10 आर द एग्जांपल्स फॉर लिटरल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज, जैसे कि एक में ही आपके पास दो आ जाए, जैसे 5 लेस देन 7 है और 7 लेस देन 9 है, ठीक है। कैसे रीड करेंगे, रीड एज 7 लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये सेंटर वाले से पढ़ेंगे हम, ये जो हमारे पास सेंटर वाला नंबर होता है इससे हम पढ़ते हैं, यानी कि 7 लेस देन 9 है और ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल इनइक्वालिटी। आगे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व ओनली लेस और ग्रेटर आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, यानी कि जिसमें जस्ट लेस और ग्रेटर का साइन आएगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। 2x plus 3 less than 6 और 2x plus 3y greater than 6, ये क्या है, स्लेक इनइक्वालिटीज है, सॉरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। इसी तरीके से स्लेक इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व ओनली लेस देन इक्वल आर फिर ग्रेटर आर इक्वल आर कॉल्ड स्लेक इनइक्वालिटीज, यानी कि लेस भी हो और ग्रेटर का भी साइन है तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्लेक इनइक्वालिटीज। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है 2x plus 3 less than or equal to 6, 2x plus 3y greater or equal to 6, ठीक है। तो ये हमारे पास था लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वालिटीज को हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।